फील फ्री किस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिसको करना होता है ना एनजाइटी को ख़त्म, जिसको 100% क्योर करना होता है, मस्त जिंदगी जीनी होती है, अपनी वापस लाइफ में जाना होता है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। और वो 100% आदमी वो चीज़ करता है। तो ये जो पूरी वीडियो एक इंटरव्यू वीडियो है, ये कौन है जानिए इनके बारे में, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, माई सेल्फ जोएल, मैं पुणे से हूँ हाँ जी, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है बॉटनी सब्जेक्ट में। और कुछ देर मतलब पहले दिन कुछ महीनों के बाद है, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैं जॉब भी कर चुका हूँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर और इतनी जॉब अच्छी जॉब होती है, और आपने इसको क्यों छोड़ा वो जरूर बताना, अभी बताना। के इसी एंजाइटी पैनिक अटैक की वजह से छोड़ दिया था। अकेले में रहने के लिए मुझे डर लगने लगा था। जॉब से जब मैं घर आता था तब मुझे वही थॉट्स रिपीट मतलब होते थे, किस टाइप के और ये थॉट्स? डर बढ़ता, यही कि मैं मर जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगी, या फिर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अच्छा नहीं है सब, मतलब पागलों जैसे हरकतें करने लगा था। एक्चुअल में नहीं थी, लेकिन ऐसा सोचने लगा था मैं। उसी को तो एंजाइटी किसी कहते से हैं, जो बात, एक्चुअल में नहीं होता, जो तुम्हें लगता है। हाँ राइट। तो फिर ऐसे ही सोचते सोचते मतलब पैनिक सा हो गया था बहुत। तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे खुद पे ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी थी फिर। सो आई थिंक ये आपको सबसे वर्स्ट डिसीजन होगा लाइफ का। मे बी क्योंकि अगर देखो हमारी एरिया में देखा जाए तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर को आराम से 1.5 लाख रुपीज़ आराम से मिलते हैं राइट पर राइट मंथ, और उसकी वैल्यू भी वही होती है। राइट बट ऐसा क्या हुआ जो जॉब छोड़ने पे बात आ गई? मतलब चलो डर लगना था वो तो ठीक है, बट ऐसा क्या हुआ? और तुम्हें जो पहली बार जो कुछ पैनिक हुआ था वो कैसे हुआ? मतलब मुझे हर वक्त ना ऐसा लगने लगा था मुझे किसी की तो मतलब जरूरत है। मतलब अकेला रह नहीं पाता था मैं, और जब दूसरों को देखता था मतलब जो मतलब ठीक ठाक है, इतना कमाते नहीं, मतलब नॉर्मल सी जिंदगी जीते रोड के साइड में, मतलब तो मैं उनसे मतलब अपनी लाइफ कंपेयर करने लगा था। यार इनका तो बहुत सही है यार, मतलब ये जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, मतलब फिर भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। तो तो फिर ऐसे ही पैनिक अटैक आपको सबसे पहला कब आया था? पैनिक अटैक मतलब जब मैं बस में मतलब जा रहा था, बस से जा रहा था, तब मुझे इतने मतलब थॉट्स की इंटेंसिटी इतनी हाई हो चुकी थी, रिपीटेटिव थॉट्स आने लगे थे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही मतलब, तो मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लगी, फिर और नेगेटिव थॉट्स, सब इमोशन मतलब मुझे लगने लगा था कि यार खत्म सब, अब इसके आगे कोई नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो फिर वैसे पैनिक अटैक आने लगा, फिर मुझे लगा अभी ये हार्ट अटैक ही है, मतलब पैनिक अटैक क्या होता है ये मालूम नहीं था मुझे। तो फिर सारे डॉक्टर के पास अपने माथे टेक दिए, जाके सब कुछ करा लिया, राइट 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 और उन्होंने क्या बोला? सबने कहा आप नॉर्मल हो, आपके ब्लड टेस्ट, ईसीजी, मतलब सब ग्लूकोज लेवल्स, सब सब एवरीथिंग वाज नॉर्मल, मतलब आपको जितना तुम कुछ चाहते थे ऐसा उतना मतलब तुमने सब करा लिया, जितना मतलब पॉसिबल था सब टेस्ट करा लिए, सारे डॉक्टर से मिल लिए। राइट 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 जितने जितने भी डाउट्स थे मन में सब मैंने क्लियर करने के लिए सब रिपोर्ट लिए, सब टेस्ट कर दिए, लेकिन सभी तरफ मतलब सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे थे। तो फिर इस चीज को एक्सेप्ट करने में कितना टाइम खराब हो गया कि मुझे एंजाइटी है?
मतलब टाइम, मतलब इन विच सेंस, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जब आपको पता लगा, कंफर्म हुआ कि कोई मेरे को मेडिकल कंडीशन नहीं है, मेरे को एनजाइटी है, तो ये कैसा पता, कितना टाइम में पता लग गया आपको? तो फिर मैं गूगल करने लगा, जैसे सब करते वैसे गूगल करने लगा। और गूगल पे आपने बताया था कि जनरलाइज स्टडी होती है, मतलब तो पहले मुझे लगने लगा यार एनजाइटी ये चीज मुझे कैसे हो सकती है, ऐसे तो मतलब मैं तो एकदम नॉर्मल सा हूँ, कुछ तो अलग ही हुआ है मुझे। तो कभी कभार वो ऐसा लगता था एक्सेप्ट कि मेरे को ज्यादा है और सामने वाले को कम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा। राइट 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 एग्जैक्टली। इवन डॉक्टर्स, मतलब सब बड़े बड़े डॉक्टर्स, उनको उनको भी बोलने लगा, मतलब घर जाने के बाद, या शायद उन्हें डायग्नोसिस नहीं पता चल रही मेरी, ऐसा सोचने लगा था मैं। हाँ, उनके डिग्रीज पे शक करने लगे होंगे, उनकी मशीनों पे मैं शक खुद करने लोग लगे। राइट राइट खुद डॉक्टर बनने लगा था। एग्जैक्टली यही होता है, जैसे हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, देखो तो गूगल पे है ना, कभी आपकी आप सिम्टम्स लिखते हो, ऐसे नहीं बताते कि मेरे पेट में दर्द है, कल मैंने गंदा खाया था, एक हफ्ते से मेरी लाइफ खराब चल रही थी, आप लोग ये चीज नहीं लिखते हो गूगल पे, आप सीधा लिखते हो मेरे पेट में दर्द है, तो वो अपना काम तो करेगा जो उसका है। तो डॉक्टर और गूगल में यहाँ फर्क आ जाता है, छोटा सा मतलब एक पॉइंट था आप लोगों को बताने के लिए। सो जोएल, क्या मतलब क्या कहना चाहते हो जो अभी अभी एनजाइटी में लोग आए हैं, कि उन्हें एक्सेप्टेंस कितनी जरूरी है? तो सबसे पहले मोहित सर को आप फॉलो करो, अरे नहीं नहीं मतलब वो तो ठीक है। बाकी मत नहीं, एक अच्छा गाइड भी होना जरूरी है। पहले तो ये बात है, ज्यादा यूट्यूबर्स मतलब देखो ही मत, उनसे उनकी वजह से आपका प्रॉब्लम 10 गुना बढ़ेगा। आपके वेल विशर्स होंगे, आपकी फैमिली होगी, या मोहित सर जैसे और कोई यूट्यूबर्स होंगे, तो उनको पहले से एक्सेप्ट करना, मतलब ट्रस्ट करना उसी को, पहले ट्रस्ट दोस्तों में दूसरों पे सबसे बड़ी ट्रस्ट चीज कर। होती है। राइट सो ऐसा लगने लगा था कि मैं अब कभी ठीक नहीं होऊंगा, मेरा सब कुछ खत्म, अब जीने का क्या उद्देश्य रह गया, सब खत्म, अब खत्म हो गया सब, ऐसा फीलिंग आई थी कभी? आई थी, मतलब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी। फिर मैं डॉक्टर्स सब सब चेक करके, मुझे नींद नहीं आने लगी इस चीज से, हाँ, मतलब मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, नींद नहीं आ रही थी, तब मुझे लगा यार कुछ तो अलग ही हो गए हैं, मतलब सब अभी अपना मतलब सब खत्म अभी। तो देखो अब हम ज्यादा चीजें बताएंगे आपको कितनी तकलीफ होती थी, उससे दूसरों का नुकसान ही होगा। राइट 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 तो अब बात करते हैं कि देर आर लॉट्स ऑफ टन ऑफ वीडियो ऑन द यूट्यूब एंड टन ऑफ चैनल, ओके। मतलब ये ट्रस्ट आपको कैसे आया कि मैंने तो यूट्यूब पे अभी करा है स्टार्ट, उससे पहले राइट तो वो तो अपने टीचर के साथ मिलके सारी चीजें सीख रहा था, अपने गुरु के साथ मिलके, बट राइट आपको स्टार्टिंग का ही चैनल है, मतलब काफी पुराना चैनल नहीं है, महीने भर पुराने चैनल है, तो आपको ट्रस्ट कैसे हुआ कि दैट इन्हीं को कांटेक्ट करते हैं और ये सब आगे चलता है? ओके। एक होता है ना, आपने मतलब क्या वो सिक्स सेंस बोलते हैं आप, मतलब एक होता है देखो, जेन्युइन कंटेंट बंदे में, मतलब किस तरह से वो बात कर रहा है, एक्सप्रेशन वगैरह। और ऐसा यूट्यूबर मिला था मतलब जो इन सब चीजों से गुजर चुका है, राइट। और मतलब आपकी वीडियो जब मैं देखता था, मतलब फर्स्ट वीडियो मैंने देखी आई थिंक अ मंथ बैक, मींस 1 महीना हो गया था, हाउ आई रिकवर्ड फ्रॉम एंजाइटी, वो आपकी वीडियो मैंने देखी। आपके बोलने में मतलब जो जो बातें बता रहे थे वो मुझे मतलब ऑनेस्ट लगी, आपका एक्सप्रेशन वगैरह मतलब एकदम सही था, राइट। कुछ शो ऑफ नहीं था, एकदम नेचुरल वे में आप वीडियो शूट कर मतलब हेल्प कर रहे थे लोगों की, ज्यादा दिखावा नहीं,
और एक बात आपकी अच्छी लगी, आप ऑनेस्टली बात करते हो लोगों के साथ, पेशेंट के साथ, ये बात मुझे अच्छी लगी। और एक होप आया यार, मतलब यही पे अपना काम हो सकता है आगे जाके, और इसलिए पैनिक मैंने वगैरह आपको। सब कुछ कैसे खत्म हुआ, मतलब कितना टाइम लगा उसको खत्म होने में, ये सब की चीज अंडरस्टैंड करने में, हाउ मच? मुझे वैसे ज्यादा 5 से 6 दिन लगे सिर्फ, मैं खुद पे मतलब बिलीव नहीं करता अभी भी, कि मैं सोच रहा था इसको ठीक होने में साल लगेंगे, महीने लगेंगे, राइट। बट ये तुम्हारे मन में लेकिन फीलिंग कहाँ से आई कि साल लगेंगे, महीने लगेंगे, ये कहाँ से घुसा तुम्हारे दिमाग के अंदर? यही लोगों से देख के, वही बोल रहा हूँ ना, लोगों की सिम्टम्स हम पढ़ते हैं, वो सच मानने लगते हैं हम, वो सच राइट। नहीं। अब तो आपकी वीडियोस, एक छोटा सा एग्जांपल, अब गूगल का मैं आपको जनरलाइज्ड वाला देता हूँ, और होता है स्पेसिफिक वाला। आपने तो उस चीज को आपने पूरा नहीं देखा, आगे आगे के हाथी के दांत देख देख के आपने बोल दिया कि यही दो दांत होते हैं। राइट राइट राइट, हाफ नॉलेज। अब आपको डॉक्टर आपके सामने, आपके नाम के सामने लगने वाला होगा कुछ टाइम के अंदर। फॉर श्योर। पता है आपकी रिकवरी का सबसे मतलब जो रीजन है दोस्तों, मैं इनकी रिकवरी का एक रीजन बताना चाहता हूँ। इनका एक तो इनकी नॉलेज, और एक जो ये पढ़े लिखे हैं जो चीजों पे टच करना जानते हैं। मतलब यार असिस्टेंट प्रोफेसर, आई थिंक यू आर द यंगेस्ट, आपके राइट एरिया में राइट, कोई नहीं लगा है। कितनी एज आपकी जब आप नहीं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे? 23। 23। तो आप देख लीजिए मतलब अब कैसी लाइफ है, अब कैसा लग रहा है दोबारा नहा के, कपड़े पहन के, अपनी गाड़ी को यूज करने में, सारी चीजों में। सब पहले के पहले जैसा ही हो गया सब, बिल्कुल बट अभी आपको क्या एक करना सपने है, की तरह, मतलब सपना एक लगता है अभी सपने की भी? तरह फील हो अभी भी रहा ऐसा लगता है ना कि आज एंजाइटी होगी, आज होगी? है। नहीं अभी तो ऐसा नहीं लगता मुझे, अभी फुल। और लाइफ में आगे क्या करना है वो सब क्लियर हो गया? अब ज्वाइन कब कर रहे हो दोबारा से यार? राइट, नेक्स्ट मंथ वेरी यार, बहुत बहुत फेब्रुअरी। कॉन्ग्रेचुलेशन यार आपको। अब देखो, अब जल्दी थैंक मिलना यू। है डॉक्टर जोएल बन के, अपनी डिग्री वापस राइट लो, अपना पैशन राइट राइट वापस लो, ठीक राइट है? राइट सो राइट, एक छोटी सी गाइडेंस आप देना चाहोगे जो एनजाइटी से, जो 2 साल से 5 साल से 10 साल से सफर कर रहे हो, उनको अगर ये चीज खत्म करनी है तो आप क्या बोलना चाहोगे उनके लिए? ओके। सो आपको पहली बात तो एंजाइटी, मतलब आप ये सब चीजें आपको नहीं है, ये सुनने में आपको मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब ऑड लगेगा, और आप ये भी सोचने मतलब लगोगे कि इसको कैसे पता, हमें कुछ नहीं, हमें तो फील होता है, इमोशंस राइट। कोई नहीं समझ पाता आप दोस्तों, इमोशंस का कोई टेस्ट हाँ नहीं होता, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता, और हम परेशान रहते हैं कि हमारा इमोशंस कोई नहीं समझ पा रहा, वो किसी टेस्ट में नहीं आएगा, कोई डॉक्टर नहीं बताया गया आपका। राइट। और एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कोई यूनिक नहीं हो, मतलब आपको, आप खुद को यूनिक मत समझो। कितने भी बड़ी प्रॉब्लम हो आपकी, मेंटल, स्पिरिचुअल, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, पहली बात तो आप यूनिक नहीं हो, ये सब इस चीज से जाते हैं लाइफ में, एक फेज आता है, इवेंट्स आते हैं। सो आप यूनिक मत समझो, दूसरों की सुनो, आपके पेरेंट्स की सुनो, फ्रेंड्स के साथ घूमो, बाहर निकलना चालू कर दो, डॉक्टर और पे एक ट्रस्ट करो। होता है ना इग्नोर कर दो खुद पे भी, हाँ खुद पे ट्रस्ट करो। और ये सब जब आप इससे निकलोगे ना, तब मैं जो बात कह रहा हूँ ना, जैसे मोहित सर भी बोल रहे, जैसे आप इससे निकलोगे ना, तब ये बात आपको मेरी बात समझ में आएगी, जो मैं बातें फ्रस्ट्रेशन हम कितनी दो होगी, मतलब गुस्सा कितना आएगा अपने ऊपर। बहुत बहुत, आप बोलोगे क्या ही था मैं, मतलब यार होता है, देखो अभी हम आप एकदम लोगों का सिली। मजाक नहीं उड़ा रहे, और आप लोग भी अपना मजाक उड़ाओगे पता है। राइट राइट, एकदम आपको लगेगा यार यार कैसे, मतलब इतनी सिली सी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं हम, लेकिन ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, वक्त लगता है, ये आप पे डिपेंड है। आप अगर आप फिर से वही चीजें करने लगोगे, उसी थॉट पैटर्न में रहोगे, सर्च करोगे, ऐसा करोगे वैसा, आपका वो प्रॉब्लम बढ़ने वाला है, पहली बात तो ये।
है। राइट और अभी आप कैसा फील करते हो? ड्राइव कर लेते हो खुद, मस्त बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो दोनों? गाड़ी चलाता हूँ, बाइक चलाता हूँ, सब सब पहले जैसे काम, सब हाथ पैर भी चलाने ऑलमोस्ट लग गए? तो सब सब जोएल, मैं तुम्हें एक ही सजेशन दूंगा कि लाइफ में जब भी कुछ होता है ना, बुरा होता है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप दबाओगे और फिर क्या होगा, अचानक से छोड़ोगे तो आगे जाके गिरेगा। कभी उसी राइट दबा राइट दबा का दबा नहीं रहता ना, वो हमेशा आगे जाता है। ठीक राइट है, तो राइट हम इस वीडियो में ऐसी बात भी कर सकते थे, आपको पैनिक अटैक आते थे, आपको हार्ट अटैक का फीलिंग होता था, आपको ब्रेन कैंसर का होता था, लंगड़ा लूला हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, तो वो बातें करके फायदा कुछ नहीं है, फायदा नहीं, फायदा नहीं, उससे बिल्कुल नहीं, नुकसान होगा कम्युनिटी का, है ना? राइट राइट राइट। तो हमें वो लोगों कहते हैं को ना, मतलब 100 नेगेटिव, 100 नेगेटिव बात करने से अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव स्ट्रांग रहती है, नहीं तो एक दोस्तों, पॉजिटिव आपके थॉट, साथ एक क्या होगा अगर पॉजिटिव। ये आप करोगे ना, मेरे ये होता है, मेरे ये होता है। तो शेर वाली कहानी सुनी है कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, कोई शुरू में सब आते हैं और जब असली में आ जाते हैं तो जो है राइट राइट फिर कोई नहीं आता। हाँ सो ये सारी चीजें दोस्तों, संभल के रखो अपने आप को, और कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट करो, मैं वहां पे रिप्लाई दूंगा। और जोएल से कुछ सीखो। जोएल आप क्या, एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे यूथ को? अगर एनजाइटी में पड़े रहेगा तो आप ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे आपके जैसा? चलो नहीं एक छोटा सा, मतलब छोटा सा कोई मैसेज देना चाहो इनको, एक छोटा सा, कि ये लोग ठीक हो पाएंगे या कब तक हो पाएंगे, और ठीक होने के लिए क्या करें जल्दी ठीक होने के लिए? पहली बात तो ये एक्सेप्ट करो, आप ठीक होने वाले हो, 100% ठीक होने वाले हो, 100%। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब एक छोटी सी चीज़ है, सिर्फ ट्रस्ट करो। इससे बाहर अभी मतलब मुझे हंसी आ रही है, इस जब बाहर निकलोगे आप तब पता चलेगा ये चलो चीज़ें। यार, ये होता है, हाँ मुझे भी होता है, मैं भी और इतना फेस याद करके हंसता हूँ। राइट बहुत हंसी आती है। और एक बात, ये गूगलिंग वगैरह सब छोड़ दो, कुछ नहीं होता। हाँ डॉक्टर को ट्रस्ट करो, डॉक्टर तो है भाई, वो क्यों झूठ बोलता है, वो झूठ थोड़ी हाँ बोलता डॉक्टर पे ट्रस्ट करो, गूगल पे मत ट्रस्ट करो, मतलब इन केस ऑफ है। दिस मेडिकल, आप, हाँ मेडिसिन वगैरह उसमें सिम्टम्स क्योंकि के तुम केस में। हिस्ट्री नहीं दे सकते ना अपने, क्योंकि गूगल में हिस्ट्री देने का ऑप्शन नहीं है ना। अगर गूगल हिस्ट्री लेता आपकी तो वो डॉक्टर बन जाता राइट ना खुद ही, वो आपसे चार्ज करता, राइट आपको मेडिकल फैसिलिटी देता। ये चीज नहीं, ये चीज ये लोग राइट समझेंगे नहीं है ना अभी। राइट, सो तो इग्नोर करो सब ये चीजें, और डॉक्टर पे भरोसा करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो ज्यादा से ज्यादा, और फील फ्री चैनल तो है अपना, बस देख यार शॉर्ट्स। सब हाँ एक एक चीज मैं बताना चाहता हूँ मोहित सर, जब भी आपको ऐसा लगे मतलब आपका ट्रस्ट अपने से गिरने लगे, तो फील फ्री चैनल है आपको मालूम है, तो शॉर्ट्स बार बार देखो, वो जो शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स है सर के, वो बात बार बार देखते चलो, उससे मैंने वो उसमें चीजें शॉर्ट्स आपके डाला मन में है बैठ। जोएल, आपने वो देखा था कि एक बार गूगल करोगे तो वो वाला शॉर्ट्स देखा था आपने, एग्जैक्टली और रियलिटी है उसमें। तो सो 100% राइट, अब आप बिल्कुल बस सही हो, एकदम बिल्कुल सही अब क्या करोगे इसके बाद, अभी क्या करने जा रहे हो है मीटिंग के बाद, मीटिंग के बाद क्या करोगे अपना? थोड़े गोल्स है, काम है वगैरह चलो चालू है, यार, सब फैमिली तो वर्क चालू है। हाँ अब आया ना वर्ड फैमिली, उससे पहले क्या था, मैं बच जाऊँ बस मैं, है ना। मैं हाँ सही सही चलो देखो यार, जोएल जैसे लोग भी सुधर सकते हैं जिनको बिल्कुल ये तक हो गया था कि जीने का पर्पस क्या है, मतलब इस जगह से जोएल रिकवर करके आए हैं। तो यार आप लोग भी कर सकते हो, मतलब जोएल कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो, और मैं 100% जोएल के साथ डेफिनेटली मिलकर बोल सकता हूँ, जोएल क्या ये सब लोग ठीक हो जाएंगे, 100%, 100% वन ठीक हो हंड्रेड जाओगे। पुणे परसेंट वाली लैंग्वेज में हमारे बोलते हैं 100 के 100% हो जाओगे, जोएल बोल रहा है 100%। तो यार कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यू विल रिकवर 100% यार। सो जोएल चलते हैं यार, हम भी सेशन